हेलो गाइस, तो आज अपन बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले के बारे में। तो आज हम पीलीभीत ज़िले के टॉप 5 प्लेसेस कवर करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मेरा नाम है विकास, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 5th नंबर पे है गौरी शंकर मंदिर। तो गाइस, गौरी शंकर मंदिर जो है वो पीलीभीत में ही स्थित है, और गौरी शंकर मंदिर गोरा पार्वती और शंकर भगवान का मंदिर है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर जो है आते हैं सावन के महीने में, तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट है चुका बीच। भाई चुका बीच जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। इसके आसपास जो है काफ़ी वन यानी कि काफ़ी पेड़ पौधे जो है लगे हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से पर्यटक यहाँ भी घूमने के लिए आते हैं, और पीलीभीत के लोग भी यहाँ जाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, इस बीच का। तो आपके पास भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ जा सकते हैं और इस बीच का मज़ा ले सकते हैं। आप अकेले फैमिली के साथ दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट है चत्तावी पातशाही गुरुद्वारा। तो भाई गुरुद्वारा के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा। ये गुरुद्वारा भी बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, जैसे कि सभी गुरुद्वारे बने हुए होते हैं। तो काफ़ी जो है बढ़िया ये गुरुद्वारा, साफ़ सफाई तो आपको पता ही है, सरदार लोग रखते ही हैं बहुत ज़्यादा मतलब। और इनका तो मतलब कहना ही अलग है कि आप जो है कोई भी धर्म जाति के लोग हैं आप यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं, और यहाँ तो मतलब लंगर वगैरह भी बहुत चलते रहते हैं। तो आप भी यहाँ अगर पीलीभीत में हैं तो आप अगर आपको ठहरने की जगह नहीं मिलती है कहीं, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। तो ये चीज़ ये भी आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट है हमारी जामा मस्जिद। तो भाई जामा मस्जिद जो है वो ज़्यादातर शहरों में होती है। ये जामा मस्जिद भी बहुत सुंदर बनी हुई है। बहुत सुंदर का मतलब ये है कि दिल्ली की ये कॉपी है, मतलब दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह ही ये बनी हुई है। और दूसरी बात ये है, ये मस्जिद जो है वो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी का मतलब ये है कि 250 साल पुरानी है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप इसे देखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस 1st नंबर पे है हमारा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये टाइगर रिजर्व जो है वो 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसमें तरह तरह के जीव जंतु, पक्षी, पौधे, मतलब बहुत बड़ा फैला हुआ है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे 36 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इस जो टाइगर रिजर्व में 36 जो है 36 टाइगर हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बहुत बहुत दूर से जो है पर्यटक यहाँ भी आते हैं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए आते हैं, आप भी यहाँ जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।